नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। एक नजर खास खबर पे। प्रयागराज जिले के थाना घोरपुर क्षेत्र के हर चौराहे पर पुलिस द्वारा हो रही अवैध वसूली की खबर चलाने पर पत्रकार विनय विश्वकर्मा को थाने से मिल रही धमकी। विनय ने बताया, बीते माह एसओ घोरपुर के खिलाफ न्यूज चलाए थे। विनय ने बताया कि घोरपुर एसओ साहब ने ट्रैक्टर रोक कर बालू थाने में हो रही बाउंड्री के लिए जबरदस्ती बालू थाने में गिरा लिए। सूचना मिलते ही पत्रकारों ने थाने पहुंचकर जानकारी ली तो ट्रैक्टर ड्राइवर ने बताया कि एसओ साहब जबरन बालू गिरवा लिए है। पत्रकारों ने खबर चला दी। प्रयागराज पुलिस कप्तान नितिन तिवारी साहब के इतने सख्त होने के बावजूद पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्रयागराज जिले से ब्यूरो चीफ विनय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। तो हमने जब खबर चलाया तो उसी खबर चलने के बाद वो धमकी देने लगे, कहे वीडियो डिलीट करो अन्यथा तुम्हारे साथ तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे साथ जो भी होगी धारा होगी सब लगा दिया जाएगा तुम्हारे साथ। मुकदमा लिख भी गया वीडियो दिखाइए। हम लोग सारे अधिवक्ता मिलकर हमारे जमुना पार्क के पत्रकार महोदय श्री विनय विश्वकर्मा जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे का लादने के लिए घोरपुर इंस्पेक्टर विजय सिंह ने धमकी दिया है उसके खिलाफ हम लोग घोर निंदा करते हैं। मैं देख रहा हूं जमुना पार में इस समय इतना भयंकर लोडिंग का काम चल रहा है, इतना अवैध बालू खनन का काम चल रहा है। आप समझ लीजिए कि पूरे क्षेत्र के लोग पहली चीज़ तो जाम से समस्या, आए दिन जाम से लोग समस्या जूझ रहे हैं। दूसरी चीज़, घोरपुर से 200 मीटर की दूरी पर सारी अवैध वसूली का कार्यभार चल रहा है। इंस्पेक्टर महोदय प्राइवेट आदमियों को रख के इस वसूली का अवैध काम करते हैं। इसकी घोर निंदा जब हमारे पत्रकार श्री विनय विश्वकर्मा जी ने किया, अपने चैनल में पत्रकारों द्वारा दिखाया गया, तो उनको इतना भयंकर रूप से इंस्पेक्टर द्वारा धमकी दी जा रही है कि तत्काल इसको वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो मैं इतने फर्जी मुकदमे ला दूंगा कि तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। किस चीज़ का वीडियो है वो? ये अवैध वसूली का वीडियो है। अवैध वसूली होते हुए सारी वीडियो पत्रकार महोदय विनय जी के पास सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पत्रकार क्या पूरे समाज में पूरे जनता के बीच ये रख सकते हैं। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, एसएसपी महोदय नहीं थे, उनके चार्ज पे एक महोदय थे, उन लोगों को हमने ज्ञापन दे के सारी अधिवक्ता लोग इस चीज़ की घोर निंदा करते हैं इंस्पेक्टर साहब। और मैं एसएसपी चाहते हैं तो उन्होंने उनको पता चला कि वीडियो बनाए तो हम पर धमकी आ रही है कि बार बार धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे पास ऐसा केस ला कौन धमकी दे रहा है? धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहे हैं एसएसआई है और क्या नाम है? अरविंद सिंह और एसओ है ब्रिजेश सिंह जी। तो लोग यह कह रहे हैं कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, ऐसी खबर मत चलाओ, नहीं तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे पास इतनी धारा लगा देंगे तुम बचने का कोई चांस नहीं है। उसमें कौन सी ये धारा मुकदमा आपको पर लिखा, तो किस बिने पर लिखा है? मुकदमा अभी हमें मालूम नहीं है क्या, बार बार हमको धमकी दिया, भद्दी भद्दी गाली देते हैं, कहते हैं तुम खबर चलाए, हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो यहीं पे हैं। तुम जितने वो लोडिंग करके जाता है तो उसे 500 से लेकर 3000 तक रुपए तक की वसूली की जा रही है। इंस्पेक्टर द्वारा लगातार अपने मातहत अफसरों को, अरविंद सिंह को और सिपाहियों को चौराहे पर लगा दिया जाता है, लगातार वसूली हो रही है। इसकी हमने कई बार, ये देखिए, हमने अभी 3/12 को हमने डीएम साहब को ये एप्लीकेशन दिया था, 11 को हमने दिया था एप्लीकेशन कि इसकी सख्त कार्रवाई करें, ओवरलोडिंग पे सख्ती से रोक लगाएं, लेकिन अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कल नैनी चौराहे के बगल में एक हमारे युवा साथी की जो है डेथ हो गई एक्सीडेंट से, ओवरलोडिंग वो ट्रक थी, ट्रक पकड़ी गई है और उस पर कम से कम 40 टन लदा हुआ है। इस ओवरलोडिंग के हम लोग सख्त खिलाफ हैं, अब बहुत दिन से खिलाफ हैं, लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा पुलिस के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या मांग थी आपकी आज? मांग ये थी कि हमारे एक घोरपुर के पत्रकार विनय कुमार विश्वकर्मा जी हैं जी, उन्होंने एक खबर छापी थी घोरपुर इंस्पेक्टर के द्वारा व उनके चमचों द्वारा, जो कि पुलिस के चमचों द्वारा
अवैध तरीके से बालू बालू गिट्टी की वसूली अवैध तरीके से बालू जो जा रही थी उस बालू से अवैध तरीके से ये थाना प्रभारी द्वारा जबरदस्ती पैसे की वसूली करवा रहे थे। उसमें हमारे पत्रकार हैं विनय कुमार विश्वकर्मा जी, जब उन्होंने ये खबर छापी तो थाना प्रभारी भूरपुर, क्या नाम है?